Welcome here. Welcome our YouTube channel, Nanaji Modern School. We have completed our previous video in this article A and N. So today I will start explain article D. So हमारा जो previous video था उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन जो है वो हम लोग कब यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करते हैं। सपोज कि मैंने आपको बताया था कि जब हमें यहाँ पर कॉन्सोनेंट दिखाई दे, हमारा जो वर्ड का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट का जो अक्षर है वो हमारा यदि कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे हमें क्या लिखना है, अ लिखना है। क्या लिखना है, अ। लेकिन यदि हमारे जो अल्फाबेट है, जो हमारा वर्ड का जो फर्स्ट वाला अल्फाबेट है वो यदि वोवल से तो उसके आगे हमें क्या लिखना है, एन लिखना है। क्या लिखना है, एन। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा वर्ड का जो पहला वाला जो लेटर है वो यदि कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी उसका जो प्रोनंसिएशन है वो यदि वोवल से स्टार्ट होता है तब भी हम वहां पर क्या लिखेंगे, एन ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन ही लिखेंगे, क्योंकि हम जो हमारा वर्ड्स है, जो नेमिंग वर्ड्स है उसके आगे उसकी जो प्रोनंसिएशन है उसी हिसाब से हम लोग वहां पर आर्टिकल जो है वो हम लगाएंगे। तो ए एन ध्वज को ए एन एन जो है वो तो हमें समझ में आ ही गया है कि कब और कैसे हमें ए एन एन आर्टिकल का यूज करना है। तो आज हम जो है वो दो आर्टिकल हम कब लगाएंगे वो हमें सीखना है। सो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल नंबर आर्टिकल थ्री। तो एक है आर्टिकल भी जो है वो हम लोग कब यूज करते हैं, तो वी यूज दी इफ वी हमने ऑलरेडी उसको मेंशन किया गया है। सपोज कि हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल के दौर से हम लोग देखते हैं, हमें एग्जांपल क्या दिया है, दिस इज बैग। क्या है, दिस इज बैग, दिस इज डॉग। क्या है हमारा एग्जांपल, दिस इज डॉग, दैट वन दैट टोर माई बुक, टोर माई बुक। दिस इज डॉग, ये वह डॉग है जिसने मेरी मेरी बुक को टोर यानी कि फाड़ दी। किस कुत्ते की बात हो रही है, ए वाला कुत्ता, यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कुत्ता है वो कौन है, जिसने मेरी किताब फाड़ दी है वो वाला कुत्ता है। तो सपोज कि यहाँ पर हम फिर से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई सो अ
बारे में बात कर रहे हैं, इफ दी नेमिंग वर्ड्स, वो नेमिंग वर्ड्स होंगे जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि हम ए वाला नेमिंग वर्ड्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, तो हमें क्या यूज करना है, तुम यूज करना है, क्या यूज करना है, दी यूज करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, दिस इज द डॉग, क्या है, दिस इज द डॉग, ये कौन सा वाला डॉग है, वो वाला डॉग है जिसने मेरी किताब फाड़ दी, तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, दी का इस्तेमाल किया। देन नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है, आई सो अ बिग डॉग, क्या है, आई सो अ बिग डॉग नियर द गेट, कहाँ पर है, आई सो अ बिग डॉग नियर द गेट, गेट के पास मैंने वो वाला कुत्ता देखा। फिर से हम लोग डॉग की बात कर रहे होते हैं, आप लोग जानते हैं यहाँ पर गेट के नियर में कौन है, गेट के नजदीक में कौन है, डॉग है, सो डॉग की ही बात हमें दूसरी बात करनी होती है, तब क्या करते हैं यहाँ पर, दी डॉग, यानी कि हमें ऑलरेडी पता है कि कौन सा नेमिंग वर्ड जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं।
और हम लोग थ्री जो है वो हम कब लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि हम लोग ए एन एन तो हम आगे लगाते हैं, लेकिन ध जो है वो भी हम लोग आगे लगाते हैं। आगे हम स्टार्टिंग में शुरू होने से पहले हम लोग लगाते हैं, लेकिन हम उसके बाद का जो सेंटेंस है वो उससे भी रिलेटेड है तब भी हम लोग क्या लगाते हैं, ध लगाते हैं। सपोज कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि अ बॉय Penguin. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a boy met a penguin। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लगाया, a लगाया, यानी कि हमें जो नेमिंग वर्ड्स है उसके आगे हमने क्या लगाया, a लगाया। ये a आर्टिकल हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला जो लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर हमने दिया है। अ लेडी हैड अ डायमंड
लेडी के पास क्या है? डायमंड रिंग्स है। दी लेडी, कौन सी लेडी? जिस लेडी के पास डायमंड रिंग है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर घर लगाया है, यहाँ पर लगाया है। कहाँ लगाया है? यहाँ। दी लेडी केप थ्री डायमंड रिंग। यानी कि आप देख सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस में हमें ऑलरेडी हम जानते हैं कि उस सेंटेंस में किस की बात हो रही है, किस नए मेंबर की बात हो रही है। सो ऑलरेडी हम लोग जो जानते हैं उसके आगे हम क्या लिखेंगे? द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दी लिखेंगे। देन थर्ड नंबर पर हमें दिया है अ बॉय हैज एन ओल्ड मैन क्रॉस दी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दी रोड, ए रोड। दी ओल्ड मैन थैंक्ड दी बॉय। तो आप देख सकते हैं कौन सा मैन है? तो जो ओल्ड मैन है उसने उसको, उस बॉय को थैंक्ड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर दी लगाया है? दी ओल्ड मैन, ओल्ड मैन थैंक्ड और दी बॉय। यानी कि हम लोग ऑलरेडी पहले से उस नैन वर्ष के बारे में जानते ही है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। उसके आगे हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? तो आर्टिकल लगाएंगे। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? तो आर्टिकल लगाएंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम लोग ए, एन और दी आर्टिकल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमें दिया है एक्सटेंशन। सो वो भी हम लोग देखते हैं। एक्सटेंशन में हमें क्या दिया है? सो एक्सटेंशन में हमें क्या दिया है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए, एन और डी। यहाँ पर हमें ए, एन और डी लगाकर हमें हमारी ब्लैंक जो है वो हमें फिल अप करनी है। सो फर्स्ट हमें क्या दिया है? दी राजधानी एक्सप्रेस इज ब्लैंक फास्ट ट्रेन। दी राजधानी यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? दी राजधानी एक्सप्रेस इज, यहाँ पर नेम वर्ब कौन सा है? फास्ट। तो जो है वो हमारा कौन सा वर्ब है या वोवल से? तो एफ जो है वो हमारा वोवल से, कौन सा वर्ब? इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अ। दी राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन। यानी कि जो राजधानी एक्सप्रेस जो है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कैसी है? एकदम से फास्ट है। देन नेक्स्ट है ब्लैंक चाइल्ड इज हैप्पी। So, यहाँ पर हम लिखेंगे दी चाइल्ड, यानी कि वो जो चाइल्ड है वो कैसा है? हैप्पी है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दी चाइल्ड इज हैप्पी। नेक्स्ट है ही स्टडीज इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दी, यानी कि स्टडीज इन यूनिवर्सिटी, दी यूनिवर्सिटी। He studies in the University of Delhi. Then next है कि students wrote blank essay. जो student है वो क्या कर रहा है? Wrote, क्या लिखा है? Essay. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं first वाला जो नेमिंग वर्ड जो है उसका first letter कौन सा है? तो वो हमारा vowel से, इसीलिए हम वहां पर लिखेंगे n. क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। उसके पास क्या है?
एसोसिएशन में वो कम क्या निकलता है, एम यानी कि ओ यानी कि गोबर से, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एम एम ए, शी हैज एन एम ए इंग्लिश। सो हमारा जो ब्लैंक है उसमें हमें कौन सा आर्टिकल लिखेंगे, एन आर्टिकल लिखेंगे। सो फर्स्ट में हमारा कौन सा आर्टिकल आएगा, ओ आएगा, देन सेकेंड में दी आएगा, एंड थर्ड में भी दी आएगा, और फोर्थ वाला जो हमारा सेंटेंस है उसमें हम लोग लिखेंगे एम, और लास्ट में हमें दिया है जो सेंटेंस दिया है उसमें भी हम लोग लिखेंगे एन आर्टिकल। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर जो 10 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हमारा न्यू लेसन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।